आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव का अर्थ होता है निषेधात्मक वाक्य। अगर वाक्य में नहीं लगा हो तो इस रूल से बनाए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस कॉम्प्लीमेंट। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रेडी सिंस मॉर्निंग। वह दो वर्षों से गेंद नहीं खेलता आ रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग ए बॉल फॉर टू इयर्स। अब पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव नंबर वन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट के पहले क्या हो तो इस नियम से बनाए, रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य दें, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता है तो उस सेंटेंस को गलत माना जाता है। क्या तुम 2005 ईस्वी से स्कूल जा रहे थे? Had you been going to school since 2005? क्या वह दो वर्षों से किताब पढ़ता आ रहा था? Had he been reading a book for 2 years? निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है अगर दिन या समय या तारीख, सुबह या शाम निश्चित समय हो तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय जैसे 2 वर्ष 2 घंटा 2 दिन ऐसे वाक्य में लगा हो तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है, यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है।